एक क्वेश्चन है जो अक्सर नए यूट्यूबर्स के माइंड में आता है कि हमें कितने वीडियोस डालने चाहिए, और अगर जो कुछ यूट्यूबर्स बोल देते हैं कि डेली वीडियो डालना चाहिए, तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन भी बहुत तेजी से आता है कि डेली वीडियो अपलोड करने से आखिर होता क्या है, क्यों हम डेली वीडियो अपलोड करें। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ रक्षा और आप देख रहे हैं रक्षा की रसोई टेक। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग वीडियो जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, YouTube में डेली वीडियो डालने से होता क्या है। देखिए, YouTube की तरफ से कोई बंधन नहीं है कि आप डेली वीडियो डालें। YouTube तो बोलता है आपको जब वीडियो डालना आप अपने हिसाब से डालिए। आप हफ्ते में भी एक वीडियो डाल सकते हो, आप 10 दिन में भी डाल सकते हो, 15 दिन में भी, महीने भर में भी, 6 महीने में भी। YouTube का क्या जा रहा है यार, आपकी जब मर्जी हो, जब टाइम मिले तब वीडियो डालो। अच्छा, होता क्या है, जो लोग डेली वीडियो डालते हैं और जो लोग कभी कभार वीडियो डालते हैं, जब होश आता है तब वीडियो डालते हैं, क्या अंतर होता है। देखिए, एक फैक्ट होता है, जैसे आपकी कोई शॉप है, आपने किसी चीज की ऑफलाइन, मैं ऑनलाइन बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑफलाइन बात कर रही हूँ, आपने कोई भी शॉप खोली अपनी, ठीक है, आप उसमें एक दिन खोलेंगे शॉप को, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, 2-3 दिन नहीं आएंगे, फिर किसी दिन आप खोल लेंगे, या 2 दिन खोली आपने, फिर आप 2-3 दिन नहीं आए, ठीक। तो आपके जो कस्टमर आएंगे वो एक दिन आपकी बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरे पास में दुकान है, यहाँ पर ये दुकान है, ये चीज मिल जाती है। अब वो आपके यहाँ उम्मीद लगा के अगले दिन भी आया, आपकी दुकान बंद मिली, वो लौट गया, फिर किसी दिन आपको खुली, उसको खुली मिल गई, फिर बंद मिली, तो वो क्या होगा, अरे ये दुकान तो पता नहीं कभी खुलती है कभी नहीं खुलती है, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहेगा वो आपकी दुकान में आकर के। वो कहेगा यार मैं जितनी देर इसके यहाँ जाके टाइम वेस्ट करूंगा, पता नहीं रिस्क भी है, खुलेगी भी नहीं खुलेगी, उससे बेटर है हम किसी और दुकान में चले जाते हैं, ठीक है। तो आपकी क्या है, एक जो इमेज है वो भी खराब हो गई, ऊपर से आपका जो कस्टमर है वो भी अच्छे से बंद नहीं पाया। इसकी अगर मैं अपोजिट बात करूं, अगर आप डेली रेगुलर दुकान खोलते हो पर डे, तो आपके यहाँ जो कस्टमर आएंगे वो धीरे 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 आपके यहाँ जुड़ते जाएंगे, और उनको लगेगा कि यार इनके यहाँ हर चीज मिल जाती है, और अब दूर क्यों जाना, या मुझे वहां वो चीज पसंद नहीं आ रही है, इनके यहाँ आ रही है, तो चलो आराम से चला जाऊं, ठीक है। तो इसका फैक्ट पड़ता है, आपके ग्राहक बनते हैं, आपकी कनेक्टिविटी होती है, आपका इंप्रेशन उनसे अच्छा जाता है, तो इस तरीके से आपकी धीरे धीरे दुकान अच्छी चलने लगती है। होता है कि नहीं, नॉर्मल बिजनेस में यही होता है, हम लोग शुरुआत करते हैं, इक्का दुक्का ग्राहक आते हैं, चाहे आप पार्लर खोलें, धीरे धीरे लोग आपको जानने लगते हैं, आपके यहाँ आने लगते हैं, आपके काम से खुश हो जाते हैं, और आपके रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं। यही चीज होती है ऑनलाइन बिजनेस ही है ये देखा जाए तो, ऑनलाइन बिजनेस में भी, ठीक है। आप यहाँ पर वीडियो डालेंगे, जब आप डेली वीडियो डालेंगे तो जो आपकी थोड़ी बहुत ऑडियंस जुड़ी है वो आपसे उतनी तो कनेक्ट रहेगी, नए कस्टमर यानी कि नए व्यूवर्स भी आपके बनेंगे। एक तो ये फायदा होता है अपनी ऑडियंस को जोड़े रखने का, ठीक है। अगर आपने एक वीडियो डाल दी, 15 दिन नहीं डाली, तो आपकी जितनी ऑडियंस जुड़ी है वो भी आपसे दूर भाग जाएगी, ठीक है, दूर भागेगी। अब यहाँ पे चलता है यूट्यूब का एक सिस्टम। देखिए, ऑफलाइन बिजनेस में आपका सिस्टम चलता है, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में ना क्या होता है, यहाँ पे यूट्यूब में काम कर रहा है तो यूट्यूब का एक सिस्टम है। क्या है, अगर आपने डेली वीडियो डाला तो YouTube को लगता है आप सीरियस होके काम कर रहे हो, YouTube आपकी ऑडियंस देखती है आपके वीडियो को, तो YouTube और खुश हो जाता है कि अरे इनकी ऑडियंस रेगुलर देख रही है वीडियो को, तो इसका मतलब इनके वीडियो अच्छे हैं, तो वो YouTube धीरे धीरे इंप्रेशन बढ़ाता चला जाता है, ठीक है। अब इसके विपरीत, अगर आप कभी कभार वीडियो डालेंगे, आपकी ऑडियंस भी आपको इग्नोर करेगी, तो यूट्यूब को भी लगता है आप सीरियस होके काम नहीं कर रहे हो, आपकी वीडियो जो है वो रैंक नहीं कर पाती है, ये एक फैक्ट होता है, ठीक है। तो यूट्यूब का कुछ घाटा नहीं है, आप डेली वीडियो डालें या 2-4 दिन में डालें या 15 दिन में, ये सिर्फ आपका ही फायदा है। अगर आप YouTube पर आए हैं तो ये चीज गांठ मान लीजिए, आप जितना ज्यादा वीडियो डालेंगे उतने ही आपके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। अब अगर आप सोच रहे हो कि कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं जो 15-15 दिन में वीडियो डालते हैं, ठीक है, महीने भर में वीडियो डालते हैं, जैसे आप कैरी मिनाती की बात कर लो, उनको तो 4 महीने में होश आता है, लेकिन फिर भी उनके 50-50 मिलियंस व्यूज आते हैं यार। उनसे आप मत कंपटीशन करिए अपने, उनकी सब्सक्राइबर बेस भी देखिए कितना तगड़ा है, उनके वीडियो का लोग इंतजार करते हैं, लोग उनकी फैन फॉलोइंग कितनी तगड़ी है। आप अभी नए हैं, आपको कंपटीशन करना है, आप बहुत नीचे हैं, वो लोग बहुत ऊपर हैं, ठीक है। उनका एक फैन फॉलोइंग अलग है, उनकी एक इमेज अलग है, एक फेस वैल्यू अलग है, ठीक है, आपको सब कुछ बनाना है। तो आप क्या कर सकते हो, हाँ यहाँ पर एक चीज जरूर मैटर करती है, आपके टॉपिक किस चीज पर है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, जैसे प्रैंक वीडियो बनाते हैं या कोई ड्रामा क्रिएट करते हैं, अब वो पॉसिबल नहीं होता है एक दिन में बनाना, तो उसका एक सिस्टम हो जाता है कि आप 3 दिन में या 4 दिन में या 1 हफ्ते में भी बन जाता है। कभी कभी बहुत टीम होती है, पूरा स्क्रिप्ट लिखनी होती है, बहुत टाइम होता है, ठीक है, तो उसमें आप हफ्ते में एक वीडियो भी दे सकते हो। तो वहां पर आप बैनर में लिख सकते हो कि यहाँ पर आपको हफ्ते में एक वीडियो
मिलेगी। लेकिन जो इजी टॉपिक होते हैं जैसे कुकिंग हो गया या DIY हो गया या आपकी ब्लॉग हो गया या अदर जो छोटी छोटी सी कैटेगरीज होती हैं जिनको आप डेली वीडियो बना सकते हैं, अगर बना सकते हैं तो यही आपकी मेहनत है जो रंग लाएगी, आप डेली वीडियो बना के डालिए। अगर कठिन टॉपिक है तो मजबूरी है भाई कि हम देर से वीडियो डाल पाएंगे, इतने जल्दी नहीं डाल सकते डेली, तो उनके चांसेस भी कम रहते हैं सक्सेस होने के। अगर आप जितना ज्यादा वीडियो डालेंगे आप उतने ही ज्यादा सक्सेस होंगे। डेली वीडियो डालने से बहुत ज्यादा फायदा होता है, थोड़ी नहीं होता है। आप जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा भी होगा कि उनकी व्यूज ठीक ठाक आ जाते हैं, उनके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं, बट उन्होंने एक दो महीने का गैप कर दिया तो उनका सारा वीडियो की रैंकिंग खत्म हो जाती है, फिर व्यूज आना कम हो जाते हैं और उनकी जो सब्सक्राइबर एक्टिव सब्सक्राइबर है वो भी रिटर्न हो जाती है, वापस नहीं आती है। ठीक है, तो ये चीज बहुत फैक्ट करता है डेली वीडियो डालने का। तो पॉसिबिलिटी हो तो मेरा तो देखो सक्सेस जितनी जल्दी मिली मेरे को बहुत जल्दी, तो यही फंडा रहा, मैंने डेली वीडियो डाले, मेरी तबीयत खराब होती थी फिर भी मैं डालती थी। तो संघर्ष होता क्या है, बाद में हम लोग अपनी स्टोरी बताते हैं कि हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत है, तो ये क्या है, वही तो मेहनत है। अगर इतनी आसानी से सब कुछ मिल जाए तो फिर क्या कहना। ठीक है, आपने कहा यार मुझे टाइम नहीं मिल पाता, निकालिए टाइम, आपको निकालना पड़ेगा। अगर यूट्यूब में सक्सेस होना है तो निकालना पड़ेगा, ठीक है, चाहे जैसे निकालिए। अब शॉर्ट वीडियो का भी इस टाइम पे ऑप्शन आ गया, तो मैं हर बार की तरह अब भी बोल रही हूँ कि अगर आप लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाते डेली, एक दिन शॉर्ट, एक दिन लॉन्ग, एक दिन शॉर्ट, एक दिन लॉन्ग, इस तरह का अल्टरनेट कर लीजिए तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। मेरे टाइम पे तो शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन ही नहीं था, ना इतना क्रेज था यूट्यूब में, ठीक है, तो उस टाइम तो मैं डेली लॉन्ग वीडियो ही डालती थी। लेकिन आपको भी डालना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और डेली वीडियो डालने से आप समझ गए होंगे आप कि क्या होता है, डेली वीडियो डालने से बहुत तेजी से सक्सेस मिलती है, बस रेगुलरिटी आपको रखनी होगी। उतने ही ज्यादा चांस होंगे आपके वीडियो वायरल होने के, उतने ही अच्छे व्यूज भी आपके आएंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।